सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस स्टडी पाठशाला स्टडी हब में आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शो में आपका बहुत 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 स्वागत। तो आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी कि 29 अक्टूबर 2020 के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इन ए गुड एंड इन ए डिटेल्ड मैनर। तो आए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जो कि आप मेरे साथ इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं इस नाम से, जीनियस पाठशाला स्टडी हब से। ओके, तो आए दोस्तों, हम हमारी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा सेशन इस प्रकार रहेगा। फर्स्ट न्यूज़ रहेगी, देन स्टैटिक जीके रहेगा। ओके, तो पूरा ये ओवरऑल सेशन रहेगा यानी कि ऑल इन वन। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक समझौता किया है जापान बैंक और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 1 मिलियन का। वो इसलिए किया है क्योंकि 1 मिलियन का लोन अग्रीमेंट इसलिए किया है क्योंकि अच्छे बेटरमेंट के लिए ये काम करेंगे दोनों बैंक मिलकर। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। ओके, एंड अभी प्रेजेंट चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खरे। ओके, एंड जापान की करेंसी है टोक्यो एंड करेंसी इज येन। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों मिलकर एक समझौता कर रहे हैं यानी कि एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ये दोनों, जो कि फाइनेंशियल सर्विस पर काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगा, सस्टेनेबल फाइनेंस पर भी काम करेगा और जॉब्स के लिए दोनों कंट्री काम करेगी। तो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन एंड करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। एंड यूनाइटेड किंगडम के पीएम है बोरिस जॉनसन, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी है ऋषि सुनक जो कि इंडियन है, एंड यहाँ की होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल। ओके, तो थर्ड न्यूज़ हम देखते हैं, सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर। ये जो सेकेंड मीटिंग है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की, जो ये सेकेंड मीटिंग है इसको चेयर किया है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात। ओके, गुजरात, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी, तमिलनाडु ने एक फंड लॉन्च किया है, उसका नाम है यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड, जो कि ₹3,000 महीना 2 साल तक जो यंग लॉयर्स रहते हैं, जैसे कि पास आउट लॉ कॉलेज से जो पास आउट होकर आते हैं, उनको हर महीने 3 साल मिलेंगे और वो भी 2 साल तक इनको मिलेंगे। ओके, तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित एंड चीफ मिनिस्टर इज एलापट्टी स्वामी। ओके, तमिलनाडु का एक फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है भरतनाट्यम। एंड तमिलनाडु ही एक ऐसा स्टेट है जिसने मुद्रा योजना में भी टॉप किया है। ओके, एंड तमिलनाडु में है मुधुमलाई नेशनल पार्क, वल्लनाडु नेशनल पार्क और बहुत सारे हैं दोस्तों। ओके,
हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर और अटल इनोवेशन पार्क ने फंक्शनिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये है डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर और एंड इनोवेशन पार्क स्टार्ट कर दिया गया है तमिलनाडु में। ये है, ये सेकंड डिफेंस कॉरिडोर है हमारा, एंड फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश में। और ये जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया था भाई, जब उस टाइम पर हमारी डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन। और ये सेकेंड डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु से। एंड क्योंकि प्रोडक्शन का इंक्रीज करेंगे इन मेक इन इंडिया में। और ये कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है चेन्नई, होसूर, सेलम एंड ट्रेची। ओके दोस्तों, और इसकी ये इनकी टर्नओवर इनका ये 13 करोड़ कमाना चाहते हैं इस माध्यम से। तो इंडिया ने होस्ट की है 19 मीटिंग ऑफ एससीओ कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरिजन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेडर्स की ये एक मीटिंग है एससीओ कॉरपोरेशन, जो कि 19 मीटिंग थी और इंडिया इसके होस्ट थे। और इंडिया की तरफ से वो थे हमारे पीयूष गोयल, जो कि रेलवे मिनिस्टर, हाँ, फॉरेन इकोनॉमिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स मिनिस्टर प्लस कॉमर्स मिनिस्टर। ओके, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र। ओके, तो एस सी ओ हम देखते हैं अभी। एस सी ओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। ये फाउंड किया गया था 15 जून 2001 को। इसके डिप्टी सेक्रेटरीज ये देखिए आप। ओके, एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज एंड रशियन। इसके फाउंडर यानी कि जो इसकी कंट्रीज की मेंबर है वो है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ओके दोस्तों, तो इसका मेंबर है इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर है। तो ये है, प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली एक मीटिंग ब्रिक्स की एक टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग को अटेंड करा है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह मध्य प्रदेश। डॉक्टर सतीश मिश्रा ने ये डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 अपने नाम किया है। डॉक्टर सतीश मिश्रा ने, जो कि सीएसआई और सीडीआरआई साइंटिस्ट हैं, इनके साइंटिस्ट है डॉक्टर सतीश मिश्रा ने ये अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा दिया गया है। ओके, ये अवार्ड इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक रिसर्च की है, जो कि मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल पर इन्होंने एक रिसर्च करी है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020। केरला एक ऐसा स्टेट बना है जो कि एमएसपी अब वेजिटेबल्स पर भी लेगा। तो यह है केरला स्टेट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एमएसपी ये है कि फार्मर को अपनी फसल के लिए गवर्नमेंट से डायरेक्टली एक प्राइस दिया जाता है, जो उनकी फसल का कम प्राइस होता है। तो यह है एमएसपी, आप अपने हैंड से इसको पढ़िए। ओके, पढ़ते हैं हम एक बार। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजारों के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों को, तो वही है दोस्तों, ये
सरकार अपना रेट फिक्स कर देती है, रेट दे देती है। तो ओके दोस्तों, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए। तो ये है नेक्स्ट न्यूज़। ओडिशा ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है सुमंगल, जो कि प्रमोट करेगा इंटरकास्ट मैरिजेस को। ये वेब पोर्टल है सुमंगल। सुमंगल ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, एंड इसके इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। यह नवीन पटनायक, ओके। तो यह है वो पोर्टल। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। हेल्थ केयर ब्रांड ने है हेल्थ केयर एक ब्रांड है डॉक्टर क्रस्ट के नाम से, डॉक्टर ट्रस्ट ने रोहित शर्मा को अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हम थोड़े रिवाइज करते हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर को, जैसे कि प्यूमा की है करीना कपूर खान, नाडा के हैं सुनील शेट्टी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के हैं ऋषभ पंत, एंड जेएसडब्ल्यू स्टील के हैं अपने सौरभ गांगुली, हाँ, एंड फोन पे के हैं आमिर खान फोन पे, ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा, ओके, एंड सलमान खान इज रियल मी एम्बेसडर, और अमिताभ बच्चन ने एलेक्सा के लिए आवाज़ दी है अपनी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। अभी कोचिन शिपयार्ड ने एक अग्रीमेंट साइन किया है इटली इटली फिनेकेटर्स के साथ मिलकर, वो जो कि जो कि ये कोचिन शिपयार्ड है इटली की कंपनी फिनकेटियर्स के साथ मिलकर ये समझौता किया है, जो कि इसको रिपेयर और अच्छा बिल्ड करेगा। ओके, तो दोस्तों वो हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर जो आपको मेरी न्यूज़ समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। प्लीज़ दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। एंड अभी हम स्टैटिक के पार्ट पर आते हैं, जो कि स्टैटिक का पार्ट ऐसे स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करिए और अपनी बुक्स बुक्स में इसको कॉपी कीजिए। ओके दोस्तों, तो यह है फर्स्ट हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिटी और उसके स्टेट ये कि कहाँ है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। बगदोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड में है। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नूर केरला। शेख उल्लम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कंट्री कैपिटल और करेंसी। कैमरूज की कैपिटल है याउंडे एंड करेंसी इज फ्रैंक। कनाडा की कैपिटल है ओटवा, करेंसी डॉलर। कैप वर्डे की कैपिटल है प्राया, करेंसी इज एस्कुडो। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल है बंगुई, करेंसी फ्रैंक। चाड की कैपिटल है जमाना फ्रैंक। चिली की कैपिटल है सेंटियागो एंड करेंसी इज पीसो। तो ये वाटरफॉल्स है। नोकली कई फॉल्स मेघालय में है। दूधा सागर फॉल्स गोवा। नेहराम फॉल्स मेघालय। मीन मुटी फॉल्स केरला। तलियार फॉल्स तमिलनाडु। तो ये है पॉपुलर बुक्स जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस पर आधारित लिखी है ऑथरों ने। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है एंडी मैरिनो ने। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज है ममता बनर्जी की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह संजय बारू एंड माई ईयर विथ राजीव एंड सोनिया आर डी प्रधान। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड इनसाइड जॉब फराज अहमद। इंडिया एट रिस्क जसवंत सिंह। तो यह है बैंक, इनके हेडक्वार्टर्स एंड उनकी टैगलाइन। इलाहाबाद
बैंक का हेडक्वार्टर एक कॉल करता एंड एसएस मल्लिकार्जुना राव इज एमडी एंड सीईओ एंड इसकी टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। जी जे पकिरेनी स्वामी इसके एमडी एंड सीईओ एंड वेयर इंडिया बैंक्स। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई एंड अमिताभ चौधरी इज एम डी एंड सीईओ एंड बढ़ती का नाम जिंदगी इज अ टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक। बंधन बैंक का क्या हेडक्वार्टर है कोलकाता एंड एम डी एंड सीईओ इज एम मिस्टर चंद्रशेखर घोष एंड इनकी बंधन बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा इनकी बड़ौदा हेडक्वार्टर है एंड संजीव चड्ढा इज एम डी एंड सीईओ एंड इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इज द टैगलाइन। यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया हमारी जो कि 2020 की है सुरक्षा कवच हुई थी महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में जो कि लोला नगर पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। फोर जिम्बैक्स 2020 हुई थी इंडिया एंड जापान में जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में हुई। एक्स इंद्रधनुष इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स यानी कि रॉयल एयरफोर्स है ऑस्ट्रेलिया की। ओके हुई थी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अजय वॉरियर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की है ये यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। डेफ एक्सपो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुई। सहयोग काइजिन इंडिया एंड जापान की है ये चेन्नई में हुई। मिलन एक्साइज ये हुई थी विशाखापट्टनम में। ओके ये बिम्स्टेक की है ये यहाँ पर हुई थी। पूरी संप्रीति इज इंडिया एंड बांग्लादेश देश एक्सरसाइज एंड कंडक्टेड इन उमरोय मेघालय में। तो थैंक यू दोस्तों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।